काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं आपसे लाइव मुखातिब हूँ। हमारे इश्यूज काफ़ी हद तक बड़े जो इश्यूज थे वो सेटल डाउन हो गए हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत रहते हैं इज्तमाई जो भी इश्यूज हैं, जो भी बड़े इश्यूज हैं, वो इंशाल्लाह वो बहुत बहुत ही हद तक तो रिजॉल्व हो गए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत रहते हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई इंडिविजुअल इश्यूज हैं वो तो चलते रहेंगे और वो पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे। इंडिविजुअल इश्यूज किसी एक का ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, लेकिन जो इज्तमाही मसाइल हैं वो बड़ी हद तक हम उनको रिजॉल्व कर चुके हैं। एक हमारा मसला एब्सकॉन्डर्स का है कि एक तरफ तो हम हज़ारों की तादाद में नए असातिज़ा भर्ती कर रहे हैं, उनको अपॉइंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लाट है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आए हैं और इंशाल्लाह इनके आने की वजह से तालीम का निज़ाम ज़बरदस्त तरीके से बेहतर होगा और जो बंद स्कूल्स हैं, क्लोज्ड स्कूल्स हैं, वो भी खुल जाएंगे और उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन पे भी बहुत मस्बत असर पड़ेगा। इसलिए कि ये लड़के और लड़कियां हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एंथुसियास्टिक हैं, इनमें काम करने का जज्बा है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही हम उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम हज़ारों असातिज़ा अपॉइंट कर रहे हैं, कर चुके हैं, और दूसरी तरफ कुछ हज़ार असातिज़ा ऐसे हैं जो कि तीन तीन सालों से एबसेंट हैं या एब्सकॉन्डर हैं और उनकी सैलरीज भी जारी हैं। तो ये सिस्टम में कहाँ लेकुना है, ये कहाँ प्रॉब्लम है, उस पर हमने डिस्कशंस की, डायरेक्टर्स और डीओ से मुलाकातें की और उसके बाद फिर हमने कुछ एक्शन भी लिया। अभी बहुत सारे एम्प्लाइज के सैलरीज बंद हैं, उनकी आईडीज़ बंद हैं। ये आईडीज़ बंद जो हमने की हैं ये टेम्प्ररी हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये इंशाल्लाह जल्दी फिर खोल भी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो ये कि चौकीदार के लिए मैंने आज ही कह दिया है DGMND को कि ये हम लेटर लिख रहे हैं इंशाल्लाह AG सिंध को कि चौकीदार की जितने भी चौकीदार हैं एब्सकॉन्डिंग लिस्ट में हम उसको उस लिस्ट से निकालें। इसलिए कि चौकीदार की ड्यूटी रात को होती है या दिन को भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त बैठा हुआ हो जिस वक्त ये हमारे मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स जाएँ, तो इस वजह से वो बेचारे एब्सेंट हो जाते हैं हालांकि वो ड्यूटी पे होते हैं। तो इसलिए हम ये सिस्टम ये कर रहे हैं कि आइंदा इंशाल्लाह इनको सिस्टम को ही डिसेबल कर देंगे और इसको कंपल्सरली जो इनकी बायोमेट्रिक होती है चौकीदार्स की वो नहीं होगी, वो हम इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। लेकिन टीचर्स के साथ पियोन जिसकी ड्यूटी होनी है या माली है जिसकी ड्यूटी वहाँ होनी है, PTA या दूसरे जो लोग हैं, उनको तो स्कूल में होना है और उनकी बायोमेट्रिक भी होगी और होती रहेगी। अब जितने ये एब्सकॉन्डिंग की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये ज़रूर नहीं है कि ये सारे के सारे एब्सकॉन्डर हों। हमें एक जज की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि हमें एक एग्जीक्यूशनर की तरह बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा रवैया हमारा नहीं है, हम फेयर चांस देंगे हर किसी को। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि पहले जो एब्सकॉन्डर्स के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, अब उसको हमने डायरेक्टर लेवल तक कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि PST की पोस्ट अपग्रेड हो गई है एक बात, और दूसरी बात ये कि DOs के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है तो वो ये काम कर नहीं पा रहे थे। लॉट ऑफ वर्क, वर्क प्रेशर की वजह से वो इस चीज़ को देख नहीं रहे थे। तो ये सारे केसेस जो है ना हमने डायरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी है। हाँ ये थी दो तो जेके भी उस्ताद या एम्प्लाइज जेके इो चवन था तो सही असा एब्सकॉन्डर तो कोन आयो, पर असांजी ड्यूटी किथे बी जगह ते आहे, असांजी बायोमेट्रिक चेंज कोन थी। हालांकि ये थियण न खपे आ, जेकर उन्हनि जी वैलिडली ट्रांसफ़र थियल आहे तो बायोमेट्रिक भी चेंज थियण खपे आ। पर हलो ठीकु आहे, जेकॾहिं जेन्युइनली उन जो ऑर्डर आहे ट्रांसफ़र जो, त
ऐं हू ॿिए हंधि ड्यूटी बि करे पियो त उन्हनि ते कंहिं क़िस्म जो कोई एक्शन न थींदो ऐं असां उन्हनि खे बिल्कुलु बाइज़त बरी जीअं चइजे तीअं करे छॾींदासीं। लेकिन उन जे लाइ ॿ कम करणा पवंदा कैंडिडेट खे, या जेको एब्सकाउंडर पंहिंजे पाण खे चवे थो त मां ड्यूटी ते आहियां, उहो या त वेट करे या डायरेक्टर ऑफिस में हलियो वञे। मूं सभिनी डायरेक्टर्स खे हिदायतूं करे छॾियूं आहिनि, उहो डायरेक्टर ऑफिस में वञे, उनजो उन वक़्त ई फौरन हुनखे शोकाज़ नोटिस मिली वेंदो। हू शोकाज़ नोटिस जो उते ई जवाबु ॾेई छॾे त आउं हिते हिते मुंहिंजी ड्यूटी आहे, ऐं उहो हुनखे हिकु पंहिंजो अपॉइंटमेंट ऑर्डर पेश करे, ओरिजिनल ॿियो सॉरी ट्रांसफर ऑर्डर पेश करे ओरिजिनल, ॿियो इहो त जेकॾहिं हू अचे थो त मस्ट्रोल जी फोटोकॉपी या एक्सट्रैक्ट जेको आहे स्कैन एक्सट्रैक्ट करे हू खणी अचे, त हू हेतिरनि सालनि खां मस्ट्रोल ते बिल्कुलु सही करे रहियो आहे। हू इहे ॿ शयूं खणी अची डायरेक्टर ऑफिस में शो कॉज जे जवाब में उहो फौरी तौर ते उहो लिखी ॾेई छॾे। डायरेक्टर साहिबान हफ़्तो या 10 ॾींहं जे अंदरि अंदरि हू वेरीफिकेशन कंदा, हू डीओ खां ऑफिस मां वेरीफिकेशन कंदा त वाकई उहो ऑर्डर जेको थियो आहे या सेक्रेटरी जे ऑफिस मां या डायरेक्टर जे ऑफिस मां जेको ऑर्डर थियो आहे उहो वाकई ऑर्डर जेन्युइन आहे या कंहिं कूड़ो ऑर्डर करे छॾियो आहे। जेन्युइन ऑर्डर हूंदो उन में वेरीफिकेशन में वधि 3-4 ॾींहं या हफ़्तो मैक्ज़िमम लॻंदो, ऐं उन सां गॾो गॾु ज़रूरत पई त डायरेक्टर साहिबान हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस जी स्टेटमेंट बि रिकॉर्ड करे सघनि था। पर इहो सॼो कमु 10 ॾींहनि जे अंदरि कंप्लीट थियणु खपे ऐं इनशाला कंप्लीट थींदो, ऐं उनखां पोइ उन उस्ताद जो नालो रिकमेंड कंदो डायरेक्टर, ऐं असां हितां सेक्रेटरीट मां असां लिखी छॾींदासीं ए जी साहिब खे त साईं असां हिननि जे ख़िलाफ़ु इंक्वायरी कई ऐं इन इंक्वायरी में असां ॾिठो आहे त हीअ एब्सकाउंडर न आहे। उन सां गॾोगॾु असां इहो बि कंदासीं त हुनजी बायोमेट्रिक बि असां चेंज करे छॾींदासीं, ऐं जॾहिं बायोमेट्रिक चेंज थी वई त हू हुन ते आईंदा इन क़िस्म जी कंहिं क़िस्म जी शइ न थींदी। हा अलबत शोकाज़ नोटिस जिन खे मिले थो डायरेक्टर साहिबान ॾियनि था, उहे शोकाज़ नोटिस जो जेकॾहिं को बि जवाबु नथा ॾियनि ऐं हू घरु वेठा आहिनि ऐं कुझु वक़्तु गुज़रण खां पोइ बि असांखे हुन जो जवाबु नथो मिले त असां इहो ई सम्झंदासीं त हू वाक़ई एब्सकाउंडर आहिनि, जो हुननि जी आई डी बंदि थियण जे बावजूदि बि हू नथा अचनि ऐं हुननि खे पघार जी ज़रूरत कान्हे या हू किथे ॿिए हंधि पघार खणनि पिया, हू नथा अचनि, त पोइ असां हुननि जी आई डी मुकमिल तौर ते बंदि करे असां हुनखे नौकिरी तां रिमूव करे छॾींदासीं। या ईअं बि थी सघे थो त कंहिं ते को अची शोकाज़ जो जवाबु ॾिए थो ऐं हुन सां गॾु पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स ॾिए थो, हुनजी जेकॾहिं नंढी ग़लती आहे त हुनखे नंढी पनिशमेंट बि ॾिबी, हिकिड़ी इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंटूं बि ख़तमु करे सघजनि थियूं, या हुनखे वॉर्निंग ॾेई सघिजे थी। पर जेकॾहिं को माण्हू 6 महीना एब्सेंट आहे ऐं पोइ अची चवे थो त साईं मां हाणे हाज़िर आहियां ड्यूटी कयां पियो हाणे मूंखे कयो, त पोइ हुनखे 6 महीने जी जेको एब्सेंट पीरियड आहे उनखे या त असां उनखां उहा पघार वापसि कराईंदासीं या उहे 6 महीना असां हुनजे मोकल में अर्न लीव अकाउंट करे ऐं हुनजी अर्न लीव जेका आहे उहा दाख़िलु कंदासीं हुनजे सर्विस बुक में ऐं हुनखे हिकु माइनर पनिशमेंट ज़रूरु मिलंदी, त हू बग़ैर ॿुधाइण जे बग़ैर इतलाह जे या बग़ैर परमिशन जे हू छो एब्सकाउंडर थी वियो। असांजो इन मामले ते कुझु जीअं मूं कुझु ॾींहं पहिरीं किथे चयो बि हो त भई उहो ज़मानो हो, पुराणी ॻाल्हि आहे, हाणे जी ॻाल्हि नथा कयूं, जो 2015 खां पहिरीं या अञा बि हुन खां पोइ ते कुझु जेके हूंदा हुआ, कुझु जी ॻाल्हि थो कयां सभिनी जी न, कुझु जेके एब्सकाउंडर हूंदा हुआ उन्हनि खे कंहिं न कंहिं उहिदेदार जेको हूंदो हो कंहिं तनज़ीम जो ज़िले लेवल जो कंहिं तहलके लेवल जो, त उहे सपोर्ट कंदा हुआ ऐं उन सपोर्ट जे करे बि उन्हनि ते को एक्शन न थींदो हो। लेकिन अलाह जी महिरबानी सां हींअर जेको मुंहिंजी सभिनी जेके बि ऑर्गनाइजेशन्स आहिनि उन्हनि सां सुठा वर्किंग रिलेशन्स आहिनि, ग़ुलाम रसूल महर सां मुंहिंजी हाणे ॻाल्हि थी आहे, त उहे सभु अशरफ खासकेली वारा या पंहिंजो इसरार शाह आहे, लतीफ़ मुगल आहे, उहे सभई मूंसां मूंखे चवनि था त असां तव्हां सां इन एक्शन में गॾु आहियूं। जेको जेन्युइन एब्सकाउंडर आहे उन ते भले एक्शन खणो, पर जेको ग़लती सां एब्सकाउंडर डिक्लेयर थी वियो आहे या जंहिं वटि जेको ॿिए हंधि कमु करे पियो हुन वटि ट्रांसफर ऑर्डर बि मौजूदु आहे ऐं हुन वटि ॿिया डॉक्यूमेंट्स मौजूदु आहिनि, त उन ते एक्शन महिरबानी करे उन ते एक्शन न थिए, ऐं उहो बिल्कुलु असां चऊं था उन ते असां एक्शन छो खणंदासीं। जेको हिकिड़ो उस्तादु पढ़ाए पियो ग़लती सां, सिस्टम जी ग़लती सां, कंहिंजी बि ग़लती सां हिकिड़ी जॻह खां ॿी जॻह ते जेकॾहिं पढ़ाए थो उनजा सबूत आहिनि, त हुन ते कंहिं बि क़िस्म जो कोई एक्शन न थींदो ऐं उहो पंहिंजी जॻह ते थींदो। हा वक़्ती तौर ते परेशानी ज़रूरु थींदी, थोरा ॾींहं परेशानी जी ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं उहे उस्तादु जल्द खां जल्द वञनि, सुभाणे ई वञनि
डायरेक्टर सी ऑफिस में प्राइमरी वारा प्राइमरी डायरेक्टर वट वन सेकेंडरी वारा सेकेंडरी डायरेक्टर वट वन ऐं डायरेक्टर साहिबान हींअर ॿुधनि पिया त उहे महिरबानी करे फौरी तौर ते हुननि खे जेको हिकिड़ो असां शोकाज़ नोटिस जो हिकिड़ो मॉडल ॾिनो आहे हुन में रुॻो हुनजो नालो विझी ऐं उते जो उते शोकाज़ ॾियो हू भले डायरेक्टर ऑफिस में वेही हुन शोकाज़ नोटिस जो जवाबु ॾियनि त जवाबु मिलण खां पोइ हफ़्तो या मैक्ज़िमम 10 ॾींहं 10 ॾींहनि खां वधीक डिले न थियणु खपे उन ते एक्शन सज़ा ॾियणी आहे त ॾियो हुन खां अलावा डायरेक्टर जो आर्डर जेको आहे उहो फाइनल कोन्हे डायरेक्टर जे आर्डर जे ख़िलाफ़ हिकु महीने जे अंदरि अंदरि सेक्रेटरी वटि अपील करणी आहे जेकॾहिं सेक्रेटरी वटि केरु अपील नथो करे हिकु महीनो गुज़री वियो त पोइ उहा उन जो अपील जो हिकिड़ो हक़ु ख़तमु थी वियो पोइ हुनखे वरी सर्विस ट्रिब्यूनल में वञिणो पवंदो पोइ उनजे लाइ वधीक मुश्किलातूं थियनि तंहिंजे करे जेकॾहिं तव्हां डायरेक्टर जे सज़ा मां मुतमैन न आहियो डायरेक्टर सज़ा ॾेई सघे छॾे थो उन मां मुतमैन न आहियो त फौरी तौर ते तव्हां अपील करियो ऐं अपील में जेकॾहिं आउं मुतमैन थिया थो त न तव्हां सां का ज़्यादती थी आहे त उनजो फौरी तौर ते आउं हुन सज़ा खे ख़तमु बि करे सघां थो पर जेकॾहिं तव्हां अपील पीरियड बि गुज़ारे छॾियो ज़ाय करे छॾियो ऐं महीने ॾेढ या ॿ चारि महीननि खां पोइ अचो था हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे इहा बार बार ॿुधाईंदो आहियां पहिरें ॾींहं खां वठी चवां पियो हिन मामले में न तव्हांखे कंहिंखे पैसा ॾियणा आहिनि न कंहिंजी सिफ़ारिश कराइणी आहे न कोई कंहिं शइ जी का ज़रूरत आहे हीअ बिल्कुलु फेयर प्ले आहे तव्हां जेकॾहिं फेयर आहियो फेयर थी असां वटि अचो असां फेयरली डील कंदासीं ऐं तव्हां खां केर बि एजेंट को बि माण्हू जेकॾहिं को तव्हांखां टको पैसो हुजे वठे घुर करे क्लर्क हुजे को असिस्टेंट हुजे को ऑफिसर हुजे केरु बि तव्हांखां पैसो घुरे त फौरी तौर ते मूंसां राबितो कयो ऐं हुनजे ख़िलाफ़ु एक्शन बि खणंदुसि ऐं तव्हां सां गॾु बीहंदुसि हिन मामले में कंहिं बि क़िस्म जी कोई हा जेके एब्सकॉन्डर हूंदा जेन्युइन एब्सकॉन्डर हूंदा उहे कोशिशि कंदा त असां रिश्वत ॾेई कंहिं तरीक़े सां चवरायूं कंहिं किथां सिफ़ारिश वलेरे खां करायूं ऐं मूंखे जेकॾहिं का सिफ़ारिश आई त आउं इहो पक सम्झंदुसि हीउ हक़ीक़ी एब्सकॉन्डर आहे छो जो हक़ीक़ी जेको टीचर आहे उनखे सिफ़ारिश कराइण जी ज़रूरत ई कान्हे उनखे त आउं पंहिंजो सम्झां थो हू मूंखे पंहिंजो सम्झे थो बाक़ी एब्सकॉन्डर्स जो आउं दोस्त न आहियां जेको सिफ़ारिश जो मतिलबु इहो हूंदो त हू एब्सकॉन्डर आहे साबित थी वियो त हू एब्सकॉन्डर आहे ऐं पोइ हुन ते एक्शन खणंदुसि सैलरीज़ जेके नवां उस्ताद आया आहिनि उन्हनि जूं बार बार शिकायतूं अचनि पियूं उहे इन्हनि जो अचनि पिया मसला त साईं असांखे प्राइवेट इदारनि में कमु कंदासीं या प्राइवेट टीचर थिए प्राइवेट इदारनि में कमु करते थिए या हम कहीं न कहीं कोई रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हमारा था तो यहाँ आ गए हैं तो 5 महीने हो गए 6 महीने हो गए हमें सैलरी नहीं मिल रही खुदारा सैलरी दें ये बिल्कुल जायज़ बात है उनकी लेकिन एक मैं बात बताऊं कि जो बात हमारे डिपार्टमेंट के लेवल तक होती है उसमें अगर कोई कोताही होती है तो उसका ज़िम्मेदार यकीनन मैं हूँ लेकिन जो बात हमारे डिपार्टमेंट में नहीं किसी और डिपार्टमेंट के पास है तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरीज़ रिलीज़ होंगी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर और एजी सिंह से उनको क्योंकि नए असातिज़ा हैं उनकी आईडी क्रिएट करनी है तो आईडी क्रिएट करने के लिए बड़े मसाइल होते हैं बहरहाल हमने अब तक 4000 जो डेटाबेस हैं वो जमा करा दिए हैं एजी सिंह में और उन्होंने कहा है कि 1 दिसंबर क्योंकि इसका दिन होता है इंक्रीमेंट का तो 1 दिसंबर के बाद फौरी तौर पर हम इन 4000 की आईडी क्लियर कर देंगे क्रिएट कर देंगे अब जैसे इनकी 4000 की आईडी के लिए क्रिएट हो गई तो हम 5-7 हज़ार और डेटाबेस जमा करवा देंगे तो इसी तरह से 5-7 हज़ार डेटाबेस हर महीने हम तो पूरे जमा करा देंगे लेकिन बात यह है कि वो अगर जितना जल्दी कर सके तो मुझे अफसोस है दुख है कि हमारे असातिज़ा यंग टीचर्स जो आए हैं उनको ये दिक्कत हो रही है उनको सैलरी नहीं मिल रही है मेरी हमदर्दी है आप लोगों के साथ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मैं कोशिश ही कर सकता हूँ जो कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ उसके अलावा NCHD वाले उनके और BECS वाले उनके सैलरीज के मसाइल थे वो फाइनेंस में वो उनका एक बड़ा पुराना मसला था और ये जितने मसाइल पुराने होते हैं उन मसाइल को हल करने में इतना ही ज़्यादा टाइम लगता है और उतने कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाते हैं बीमारी जितनी पुरानी होती है उसका इलाज इतना ही मुश्किल होता है तो ये पुरानी बीमारियाँ मेरे गले पड़ी हैं तो उनको पुरानी बीमारियों का इलाज करने में भी मुझे टाइम लग रहा है तो बहरहाल मैंने आपकी दवाई का बंदोबस्त कर लिया है NCHD BECS टीचर्स और इंटरनीज टीचर इनकी फाइलें हमने मंजूर करवा ली हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से और इंशाल्लाह जल्दी 15 दिन से ले कर 4 हफ्ते तक इनके सैलरीज की
हम कोशिश करेंगे कि इनकी सैलरी हो जाए। मैं इनसे भी माजरत करता हूँ कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। अपग्रेडेशन एक बड़ा मरहला था जो हमने तय कर लिया। अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन हो गया। अब इंडिविजुअली जो हर डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकल रहा है तो उसमें कई डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन तो निकल गया है, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे डीओ साहिबान, डायरेक्टर साहिबान इसमें फुल ताउन कर रहे हैं। गुलाम रसूल मेहर साहब और हमारे चलगिरी साहब और दूसरे जो लोग हैं वो मुसलसल मेरे साथ रबते में हैं और हम मिल के इसको जल्द से जल्द पाए तक मिल तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनकरीब ये मरहला कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और सारे टीचर्स हो जाएंगे, लेकिन इनमें से भी वो टीचर नहीं होंगे जो कि एब्सकॉन्डिंग लिस्ट में हैं। तो फौरी तौर पे अगर वो कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो फौरी तौर पे जाके शोकाज नोटिस का जवाब दें। ये इंतज़ार ना करें कि उनको शोकाज नोटिस मिले। शोकाज नोटिस हो सकता है उनको 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, तो इतना इंतज़ार ना करें। और अगर जायज़ जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं उनकी अगर सैलरी किसी वजह से डिले होती है तो मुझे उसके लिए अफसोस होगा और मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज। मैं नहीं चाहता, क्योंकि तनख्वाह जो होती है वो बच्चों की फैमिली की होती है, उनको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। मैं ये तकलीफ़ किसी को नहीं देता और ना देना चाहता हूँ। इसीलिए बर मेहरबानी आप मेरे साथ ताउन करें, मैं आपके साथ ताउन करूँगा तो ये जल्द ही इस टेक्निकल मसले से हम नबरद आजमा हो सकेंगे। और क्लोज्ड स्कूल्स, क्लोज्ड स्कूल्स घणो करे जेके आहिनि उहे ॿाहिरां इंडिया आहिनि, शहरनि जा क्लोज्ड स्कूल्स त न हूंदा आहिनि, सवाइ चंद स्कूल्स से। कुझु स्कूल कराची में बि, हैदराबाद में मामूली थोरा सा नंबर आहे हुननि जो। बाक़ी जेके क्लोज्ड स्कूल्स आहिनि उहे वधि खां वधि जेके क्लोज्ड स्कूल्स आहिनि उहे त सिजावल में आहिनि, ठटे में आहिनि, थाणे गुलाखान में आहिनि, नंगर पार्कर में आहिनि, टंडो मोहम्मद खान में आहिनि या कुझु ॿियनि ज़िलनि में आहिनि, बदीन में आहिनि। त इन्हनि स्कूल्स खे खोलण जे लाइ असां पहिरीं अहकाम जारी करे छॾिया आहिनि त जेके नवां टीचर आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते उते रखो ऐं क्लोज्ड स्कूल्स खे खोलियो। असां वटि तक़रीबन 5,000 खां मथे स्कूल क्लोज्ड स्कूल्स हुआ, जंहिंमें 4,000 खनि स्कूल त असां खोले चुका आहियूं। हाणे जेके मूंखे ॿुधनि पिया जेके उस्ताद जेके उन्हनि क्लोज्ड स्कूल्स में हाणे कमु कनि पिया, त उहे उन्हनि खे आउं गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे उन्हनि स्कूलनि ते तवजो ॾियो। बंदि पियल स्कूल जीअं मूं सवेरे ज़िक्र कयो, पुराणी बीमारी वांगुरु हूंदा आहिनि, उन ते वधीक महिनत करणी पवंदी आहे। ऐं महिरबानी करे तव्हां उते ईमानदारी सां पढ़ायो। इहे ग़रीबनि ऐं क़ौम जा बच्चा आहिनि, इहे तव्हांखे दुआऊं कंदा ऐं तव्हांजो इहो फर्ज़ बि आहे। ॿियो त जेकॾहिं तव्हां वटि एनरोलमेंट घटि आहे त महिरबानी करे ॻोठाणनि सां मिलो, डोर टू डोर वञो। छोकिरियूं बि आहिनि, लेडी टीचर्स बि आहिनि, त उहे वञनि हुननि जे घरनि में, फैमिलीज़ में वञी बि हुननि से पेरेंट्स खे चवनि हुननि खे जंहिंजा ॿार नथा अचनि स्कूल, त महिरबानी करे ॿारनि खे स्कूल में छॾियो। ऐं जेके जेंट्स आहिनि उहे बि वञनि ॻोठ में पंहिंजे ॻोठाणनि जी मदद सां पेरेंट्स खे रिक्वेस्ट कनि त हू स्कूलनि में ॿार छॾीनि। बाक़ी जेके स्कूल बंदि आहिनि उहे बि जल्द खां जल्द स्कूल उहे खोलिया वञनि। हाणे जेको असांजी रिक्रूटमेंट हली रही आहे उहा हाणे तक़रीबन इख़्तिताम पज़ीर थियण वारी आहे, सवाइ थोरनि थोरनि पॉकेट्स जे, जीअं मसलन खैरपुर ज़िले में कुझु अञा रहे थी। तो खैरपुर ज़िले जो असां डी ओ खे ट्रांसफ़र करे ॿियो डी ओ आंदो, ज़ाहिर आहे हुनमें थोरी दिक़त थी, पर उहा बि हाणे फाइनल स्टेज ते आहे, इनशाला जल्दी ख़तमु थी थी। ईअं ई जो मसइलो आहे कश्मीर जो मसइलो आहे, ईअं ई इन जो घोटकी जो मसइलो आहे जिन में रहियल आहिनि, बाक़ी त हर जॻह ते तक़रीबन थी वई आहे। सेकेंड फेज़ असांजो तक़रीबन मुकमिल थी चुको आहे, सवाइ कुझु पॉकेट्स जेके पॉकेट्स बि इनशाला जल्दी, शायदि दादू में बि कुझु रहनि था, उहे पॉकेट्स बि इनशाला ताला जल्दी उहे भरिजी वेंदा। ऐं असांजो थर्ड फेज़ घणो करे असां नोटिफाई करण वारा आहियूं, थी सघे थो त असां सुभाणे खां असां हुनखे थर्ड फेज़ जो नालो ॾियूं। त असांजो थर्ड फेज़ जेको हूंदो उहो हूंदो असांजा वेटिंग जेके कैंडिडेट आहिनि उन्हनि जे लाइ। हाणे वेटिंग कैंडिडेट्स जे लाइ किन ज़िलनि में डी आर सी थी चुकी आहे, डी एस सी जेका आहे उहा थी चुकी आहे, त हुननि खे पोइ जीअं ई खाली थींदी वेंदी पोस्ट हू ॾींदा वेंदा। पर जिते डी एस सी न थी आहे त उते असां इहो लेटर कढूं पिया त हर 3 महीननि खां पोइ डी एस सी थींदी। त 3 महीननि में जेतिरी बि पोस्टूं खाली थींदियूं, 5 थियनि ज़िले में, 10 थियनि, 20 थियनि, 50 थियनि, त हर 3 महीननि में। ऐं उहा जेका डी आर सी आहे
उहा जनवरी जे पहिरें हफ़्ते में थींदी, अप्रैल जे पहिरें हफ़्ते में थींदी, जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में थींदी ऐं अक्टूबर जे पहिरें हफ़्ते में थींदी। उन खां पोइ वरी जनवरी जे पहिरें हफ़्ते में थींदी। उहा डीएससी थींदी ऐं टिनि महिननि में जेतिरी बि पोस्टूं थींदियूं। ईअं कोन थींदो त हाणे हिकिड़ी पोस्ट ख़ाली थी आहे, हिकिड़ी पोस्ट लाइ डीएससी कयो, चारि पोस्टूं थियनि थी चाहे न, टिनि महिननि में जेतिरी बि पोस्टूं ख़ाली थींदियूं, 3 महीने में जेतिरी पोस्टें ख़ाली होंगी उनकी डीएससी होगी थर्ड फेज़ के लिए। तो अब ज़हनी तौर पर जो कैंडिडेट्स वेटिंग वाले हैं वो तैयार हो जाएँ थर्ड फेज़ के लिए, और थर्ड फेज़ को प्रैक्टिकली यूँ समझें कि हम कल से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट से। और उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स, ये इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स हमारी इंस्पेक्शन हर स्कूल में पहले होती थी, ये फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया या कम हो गया, हम फिर उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब मैं हम उस पर बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं कि हर स्कूल की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो दूर दराज का हो, गांव का हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी हो, प्राइमरी, मिडिल, एलिमेंट्री, जो भी स्कूल है गर्ल्स बॉयज, उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन के लाइ असां हिदायतूं बि ॾेई छॾियूं आहिनि ऐं उहा इंस्पेक्शन कुझु जॻहियुनि ते त डिसंबर में शेड्यूल थी चुकी आहे, पर जिते शेड्यूल न थी आहे त उन्हनि खे आउं चवंदुसि उहे जनवरी जे पहिरें हफ़्ते खां कनि, शायदि 3 या 4 जनवरी खां मंडे थींदो त उन मंडे खां शुरू कनि ऐं उनजो शेड्यूल हू पंहिंजे डायरेक्टर जी ऑफिस में ॾियारे मोकिलिनि। त उहा जेका बि इंस्पेक्शन टीम हूंदी, दैट शुड बी हेडेड बाय सम सीनियर ऑफिसर, मे बी हेडेड बाय डीओ, डिप्टी डीओ, तहलका एजुकेशन ऑफिसर, एईओ, आर एनी सीनियर टीचर कैन हेड दैट टीम, बट दैट टीम शुड कंसिस्ट ऑफ दी सीनियर टीचर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। एक इंस्पेक्शन टीम में सीनियर टीचर्स कम अज़ कम 5-6 सीनियर टीचर्स होने चाहिए, जिसमें साइंस के भी हों और आर्ट्स के भी हों, और वो जाकर एक परफार्मा एक बनाया है हमने, मैनुअल बनाया है, उस मैनुअल को वो फिल करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन कैसी है, इंतज़ाम कैसा है स्कूल का, और उस स्कूल का आउटलुक कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, लॉन कैसा है, सफाई कैसी है, और बच्चों ने आर्ट और डिज़ाइन क्या किया है, अगर ड्राइंग टीचर है तो क्लास में ड्राइंग कहाँ से नज़र आ रही है, नहीं आ रही है, और इसी तरह से अगर लैंग्वेज टीचर हैं तो वो लैंग्वेज टीचर्स का भी ये देखा जाएगा कि उन्होंने वो लैंग्वेज कितनी सिखाई है, खुसूसन कराची हैदराबाद में, और इसी तरह से ये फुल फ्लेज इसको होना चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और इसकी हर रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर को मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं रेंडमली मैं भी निकलूँगा और मैं भी जाके इंस्पेक्शन कहीं ना कहीं करूंगा। उसके बाद हम एक, एक, एक जो बड़ी जो हमारी जो पहला आइटम था, लेकिन उसको मैंने जानबूझ के आखिर में रखा, वो आप सबका ताउन चाहिए हमें, तव्हां सभिनी जो ताउन खपे असांखे, असां एनरोलमेंट कैंपेन शुरू कयूं पिया, सोसाइटी जो ताउन खपे असांखे, नोटेबल्स जो, एसएमसी जो, लखें ॿार असांजा स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि, लखें ॿार, हज़ारे न लखें, असांजो ज़मीर कीअं गवारा करे सघे थो त असां पढ़ी लिखी या असांजा ॿार पढ़ी लिखी वेठा हुजनि ऐं असांजे ओड़े पाड़े जा ॿार जेके आहिनि उहे घर में वेठा हुजनि ऐं उहे हिकिड़ो ॾींहुं बि स्कूल न वञनि, या स्कूल वञनि त 5वीं दर्जो पास करे छॾे ॾियनि, अॻिते न वञनि पढ़ण जे लाइ। इन में असां तव्हांजो सभिनी जो फर्ज़ु आहे। असां एनरोलमेंट कैंपेन असां शुरू कयूं पिया सुभाणे खां इनशाला ताला। उन में जेको रोल आहे टीचर जो, उहो सभ खां वधीक अहम रोल जेको आहे उहो टीचर जो आहे। जिते आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आहिनि ऐं हर जॻह ते आहिनि, उहे प्राइमरी जा बि आहिनि, सेकेंडरी जा बि आहिनि, त हितां मां हिदायत थो कयां, गुज़ारिश थो कयां, रिक्वेस्ट थो कयां सभिनी टीचर्स खे, चाहे उहे मेल हुजनि, फीमेल हुजनि, प्राइमरी जा हुजनि या सेकेंडरी जा या हायर सेकेंडरी, महिरबानी करे पंहिंजे ॻोठ, पंहिंजे शहर में जेके बि ॾिसो था त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आहिनि, उन्हनि जे पेरेंट्स सां डोर टू डोर वञो, डोर टू डोर वञो। जेकॾहिं कंहिं ॻोठ में का उताक आहे त उन ॻोठ जी उताक ते तव्हां वियो, सभिनी खे गुज़ारिश कयो, ॻोठ जे चङे मुड़ुस सां मुलाक़ात करियो, SMC जो जेको चेयरमैन आहे उन जी मदद वठो, ऐं तव्हां उन हर उन माण्हू सां मिलो जंहिंजो ॿारु स्कूल में न आहे।
यकीन ॼणो त उन्हनि उन्हनि माण्हुनि खे रुगो चवण जी ज़रूरत हूंदी आहे त को माण्हू उन्हनि वटि वञे, को माण्हू उन्हनि सां ॻाल्हाए, माण्हू ॿार छॾींदा, यकीन छॾींदा। हालांकि कानून बि मौजूदु आहे त जेको माण्हू ॿार नथो पढ़ाए हुन ते 5,000 रुपया ॾंड पवंदो ऐं उनखां पोइ उहो माण्हू खे 500 रुपया हर ॾींहं जो ॾंड पवंदो जेकॾहिं ॿार नथो अचे। त तव्हां मुहबत सां उन्हनि सां ॻाल्हायो, अख़लाक सां ॻाल्हायो, उन्हनि खे तइलीम जी अहमियत जे बारे में ॿुधायो। लेडी टीचर्स जेके आहिनि उहे बि घरनि में वञनि ऐं उते घरनि में वञी उन्हनि माउरनि सां मिलनि ऐं उन्हनि खे कन्विंस कनि त महिरबानी करे पंहिंजे नियाणियुनि खे स्कूल में छॾियो। ऐं इन में मूंखे ख़ुशी थींदी जॾहिं आउं निकिरंदुसि सिंध जे शहरनि में, ॻोठनि में, ऐं मूंखे ख़बर पवंदी त फलां टीचर या फलां लेडी टीचर हेतिरी एनरोलमेंट कई आहे, हेतिरी महिनत कई आहे। मूंखे न सिर्फ़ु दिली ख़ुशी थींदी पर आउं कोशिशि कंदुसि आउं हुन टीचर सां मिलां, उनखे एप्रिसिएशन ॾियां ऐं उनजी हिमत अफ़ज़ाई कयां। मुंहिंजा दरवाज़ा अहिड़नि टीचर्स जे लाइ खुलियलु हूंदा हर वक़्तु जेके इन क़िस्म जी इन लेवल जी महिनत कनि था। ऐं ख़ुसूसनि मूंखे सभिनी टीचर्स मां त उमेदु आहे पर ख़ुसूसनि मूंखे नवनि टीचर्स मां वॾी उमेदु आहे। नवां टीचर मेल या फीमेल, उन्हनि में जज़्बो आहे कमु करण जो। मूं उन्हनि जूं ॿरंदड़ रोशन अखियूं ॾिठियूं आहिनि, उन्हनि जी रोशन पेशानी मूं ॾिठी आहे। उहे तालीम जे लाइ कमु करणु चाहिनि था, उन्हनि जी अखियुनि जी चमक ॿुधाए थी त हू उंदाहिनि खे दूरि करणु चाहिनि था, हू रोशनी फैलाइणु चाहिनि था। ऐं उहा रोशनी फैलाइण जे लाइ ईअं न करियो त उंदाही तव्हां वटि पाण हली अचे। ॾीओ वटि उंदाही कोन हली वेंदी आहे, ॾीओ वेंदो आहे त उते उंदाही ख़तमु थी वेंदी आहे। तव्हां ॿरंदड़ ॾीआ आहियो, तव्हां रोशनी ॾींदड़ ॾीआ आहियो, तव्हां जिते वेंदो उते रोशनी फैलबी। पर उनजो दायरो वसी कयो, पंहिंजे इन रोशनी खे वधीक फैलायो, उन्हनि ज़हननि ताईं पहुचायो, उन्हनि माण्हुनि ताईं पहुचायो जिन जेके डिज़र्व कनि था। तव्हांजा तव्हां मां केतिरा ई अहिड़ा हूंदा जिन जा ग़रीब वालदेन हूंदा, तव्हां बि ग़रीब घराननि जा हूंदा, पर जेकॾहिं तव्हां मिडिल क्लास या मानी मच्छी वारा आहियो त तब तव्हां ते वधीक फ़र्ज़ु आहे त उन्हनि माण्हुनि जो ख़्यालु करियो जेके नथा, उन्हनि खे उन्हनि जी मदद कयो, हेल्प कयो। केतिरा ई ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन वटि जूता न हूंदा आहिनि, कपिड़ा न हूंदा आहिनि, पर यकीन करियो त जेकॾहिं टीचर सचो थिए थो त उन्हनि खे जूता, कपिड़ा, किताब, हर शइ मिली वञे थी। कीअं जॾहिं हुनजो इंट्रेस्ट ॾिसंदा आहिनि माण्हू, ओड़े पाड़े जा माण्हू फिलॉन्थ्रापिस्ट उन्हनि जो इंट्रेस्ट ॾिसंदा आहिनि टीचर जो, त उनजे चवण ते माण्हुनि खे कपिड़ा बि वठी ॾींदा आहिनि, जूता बि वठी ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे स्टेशनरी बि वठी ॾींदा आहिनि। महिरबानी करे थोरो अॻिते अचो, प्रोएक्टिव रोल अदा करियो, हिनखे रवायती तरीक़े सां न वठो। असांजी तइलीम रवायती तरीक़नि सां न सुधरंदी, असांजी तइलीम असांजो मुस्तक़बिल आहे। हाणे जेकॾहिं असांजो मुस्तक़बिल उंदाहो थी वियो त असांजी क़ौम जी क़ौम किथे वञी बीहंदी। महिरबानी करे उहो असातज़ा बि जे जो जो मिसाल शहरों में है, शहरों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बहुत हैं, गैरेजिस में काम कर रहे हैं, आप जाएँ गैरेजिस में जाएँ, उनके मालकान से बात करें, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में ले आएँ, जो बड़े बच्चे हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन हमारी जो है वहाँ उनके लिए उनको सजेस्ट करें। और शहरों में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रॉप आउट होते हैं 5वीं जमात के बाद, खसूसन बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं। अगर हमारी बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी, हमारी वो कल आज की बच्ची कल की माँ है, और अगर कौम की माएँ नहीं पढ़ी हुई होंगी तो वो जो आइंदा नस्ल होगी वो नस्ल पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो ये नुकसान किसका होगा, कितना होगा। यकीन जानिए कि आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं आने वाला वक्त उससे ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, तकलीफदार वक्त आ रहा है। उसमें हमें इक्विप करना है अपने आप को। साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आइंदा अमीर वो होगा जिसके पास इल्म होगा। आज अमीर वो है जिसके पास पैसा है, लेकिन आइंदा अमीर वो होगा जिसके पास इल्म होगा। ये कौन कर सकता है, ये सब टीचर मिल के कर सकते हैं। सोसाइटी को मोबिलाइज करें, सारे अफसरान मिल के। मैं भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते खुद जाऊंगा, देहात में जाऊंगा, जहां भी मैं पहुंच सका वहां जाके नए स्कूल्स खुलवाऊंगा, और जो पुराने स्कूल जेके सिंधी ॻोठनि में आहिनि टीचर्स आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। हिकिड़ी ॿ टे कम्यूनिटीज़ असांजूं अहिड़ियूं आहिनि जेके माण्हू ॿार बिल्कुलु नथा पढ़ाइनि, पर ऐं उन्हनि जे लाइ बि आउं कमु करियां पियो। महिरबानी करे तव्हां बि कमु कयो, उन्हनि जे लाइ साथ ॾियो। ॻोठनि में जेके असांजे शेड्यूल कास्ट आहिनि, भील आहिनि, बागड़ी आहिनि, कोली आहिनि, मेघवाड़ आहिनि, मज़दूर आहिनि, जेके उहे खेत मज़दूर आहिनि, खानाबदोश आहिनि, उहे ॿारनि खे नथा पढ़ाइनि।
नहीं मतलब नाइद पढ़ाइण नथा चाहिनि, पर हुननि खे शेड्यूल कास्ट सम्झी धिकारियो वञे थो। नफ़्सियाती मसला आहिनि, हुननि खे केरु वेझो नथो अचणु ॾिए। हुननि सां तव्हां वेझा थियो, हुननि सां मुहबत सां शफ़क़त सां तव्हां ॻाल्हायो, तव्हां ॾिसो त हुननि जा स्कूल ऐं हुननि जा ॿार केतिरा वधीक। हिकिड़ी मुंहिंजे ॻोठ में जेके बाबरीन जा ॿार आहिनि, उहे मुंहिंजे स्कूल में पढ़ण जे लाइ अचनि था, ऐं हिकिड़ी छोकिरी आहे जंहिंखे मूं पंहिंजी धीउ ठाहियो आहे, पहिरें दर्जे खां वठी हाणे उहा छहें दर्जे ताईं पहुती आहे, रूपा हुन जो नालो आहे। ऐं हू एतिरो होशियारु छोकिरी निकिती आहे जो हुनजे सॼी कम्युनिटी में, असांजे सभिनी ॿियनि मुस्लमान कम्युनिटी में बि उहा एतिरी होशियारु का छोकिरी न आहे जेतिरी हू हिकु खानाबदोश छोकिरी होशियारु थी आहे। मंझंदि जो हिकिड़ो छोकिरो नमरूद गुरगुलो, गुरगुला सम्झंदा हूंदा तव्हां, नमरूद छोकिरो हो खानाबदोश हो, उनखे हैदर मल्ला असांजो उस्ताद आहे, उनखे पढ़ायो त उहो उस्ताद अॼुकल्ह, उहो छोकिरो जेको आहे अॼुकल्ह पब्लिक स्कूल हैदराबाद में पढ़े थो। त महिरबानी कयो, एनरोलमेंट कैंपेन में असांजो साथ ॾियो। असांजो नारो ई आहे त पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध, पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध। आख़िर में हिकिड़ी ॻाल्हि आऊं इहा कंदुसि त आई बी ए जा जेके हेड मास्टर्स आहिनि, हेड मिस्ट्रेसिस आहिनि, थोरा मायूसी में गुज़रनि पिया। मायूसी जी का बि ॻाल्हि कान्हे का। मूं अॻे ई चयो त हीअ शइ असांजे हथ में न आहे, हीअ कोर्ट जे ऐं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हथ में आहे। असां कॾहिं बि न चाहींदासीं त तव्हांखे असां ज़ाया कयूं। ॿ टे दफ़ा मुंहिंजी मुलाक़ात ए जी साहब सां थी आहे, ऐं ए जी साहबु चवे थो त एज़ पर प्रोसीजर तव्हां लेटर मूंखे लॉ डिपार्टमेंट जे थ्रू लिखो, उहो आउं ओपिनियन ॾींदुसि। त असां लॉ डिपार्टमेंट खे बि लेटर लिखी छॾियो आहे, लॉ सेक्रेटरी साहब खे बि मूं गुज़ारिश कई आहे, लॉ मिनिस्टर साहब सां वटि बि ऐं पर्सनली हली वियोसि हाणे टे चारि ॾींहं पहिरीं, ऐं हुन बि चयो त आप लेटर भेजे तो हम इनशाला ए जी साहब से आपको ओपिनियन लेके देते, तो इनशाला ताला ही मसलो थो। पर जैसे तीन जैसे डिले उनमें थी तो असन वही उन्होंने पीरियड एक्सटेंड कर छींदी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। बाकी जो शूं कवर न क्यों तो इनशाला इन मतलब यो को मसला मुखा परे उन मसल के तो मोटा मोटा मसला हुआ जिनते ऐसी बाकी केतरा ही मसला अड़ा जिनते राति ॾींहुं असां कमु कयूं पिया, ऐं इनशाला गॾिजी असां हिन एजुकेशन जे ॿेड़ी खे तारींदासीं। वॾी महिरबानी।